हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ बाइनरी मैग्मास, यूटेक्टिक क्रिस्टलाइजेशन और नॉन मिक्सिंग कंस्टिट्यूएंट और क्रिस्टलाइजेशन। तो ये हमने जो लास्ट वीडियो में पढ़ा था बाई कॉम्पोनेंट, उसमें हमने देखा था कि दो तरह के जो टाइप्स होते हैं बाई कॉम्पोनेंट के, एक यूटेक्टिक और सॉलिड सॉल्यूशन। तो आज हम लोग यूटेक्टिक क्रिस्टलाइजेशन ये देखने वाले हैं, जिसे कि हम नॉन मिक्सिंग क्रिस्टलाइजेशन या नॉन मिक्सिंग कंस्टिट्यूएंट्स भी बोलते हैं। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ अ मैग्मा कंसिस्टिंग ऑफ टू नॉन मिक्सिंग कंस्टिट्यूएंट्स मे बी इलस्ट्रेटेड बाय द यूज ऑफ द टेम्परेचर कंपोजिशन डायग्राम। जो मैग्मा क्रिस्टलाइजेशन है वो ना दो नॉन मिक्सिंग कंस्टिट्यूएंट्स में, यानी इसमें जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं वो एक दूसरे से मिक्स नहीं होते हैं, ठीक है ना। और इसे हम लोग एक टेम्परेचर कंपोजिशन डायग्राम के यूज़ से, इसके उपयोग से हम उसको समझ सकते हैं, ठीक है। एंड द टू एंड मेंबर्स ऑफ द बाई कॉम्पोनेंट सिस्टम आर ए एंड बी विच लैक सॉलिड सॉल्यूशन बिटवीन दैम। तो दो एंड मेंबर्स हैं बाई कॉम्पोनेंट सिस्टम के, एक ए और बी हैं, और उनके बीच में बहुत ही कम सॉलिड सॉल्यूशन है, ठीक है। तो उसका डायग्राम इस तरह से है बनेगा। देखिए ये ए और बी, ये दो एंड मेंबर्स हैं बाई कॉम्पोनेंट सिस्टम के, ठीक है, वो यहाँ पर बताया गया है। द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ प्योर ए एंड बी आर टी ए एंड टी बी रिस्पेक्टिवली, एंड द एडिशन ऑफ सम अमाउंट ऑफ बी टू अ मेल्ट ऑफ ए lowers the melting temperature of the liquid that can coexist with A along the curve between TA and E. तो देखिए यहाँ पे A जो है, पहले ग्राफ समझ लीजिए कि क्या होता है। ये A और B दो एंड मेंबर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके दो मिनरल्स भी हो सकते थे, ठीक है। और यहाँ पे जो x एक्सिस है, यहाँ पे हमने कॉम्पोजिशन या वेट परसेंटेज शो किया है, और जो y एक्सिस पे टेम्परेचर शो हुआ है दोनों साइड, ठीक है। तो यहाँ पे a का जो कंपोजिशन है, जब अगर हम b में देख रहे हैं तो यहाँ पे प्योर b है, यानी 100% में b है और जो a का परसेंटेज है वो जीरो है। वैसे ही यहाँ पे भी a जो है वो 100% प्योर है और यहाँ पे b का कंपोजिशन है जीरो है। जब आप b से a की ओर आएंगे तो ये जो है कंपोजिशन है वो क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है 100, 90, और उसमें जो ए का जो परसेंटेज है वो क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे शो किया गया है। और यहाँ पे एक पॉइंट है ई, जो कि आपका यूटेक्टिक पॉइंट है, और यहाँ पे आपका एक पॉइंट है ए के ऊपर जहाँ पर टी ए लिखा हुआ है, ये आपका टेम्परेचर है ए का, जहाँ पे कि आपका ए क्रिस्टलाइज होना शुरू करता है। और उसी तरह यहाँ टी बी है जो बी का टेम्परेचर है, जहाँ पे कि बी जो है वो क्रिस्टलाइज होना शुरू करता है, ठीक है। टी ए जो है वो ए का टेम्परेचर है, प्योर टेम्परेचर, प्योर ए का टेम्परेचर है। उसी तरह प्योर बी का टेम्परेचर जो है वो क्या है, टी बी है, ठीक है। लेकिन जैसे ही जब बी के मेल्ट में ए का कुछ मिलता है, है ए और बी जब मिलते हैं दूसरे के साथ, तो उनका जो टेम्परेचर होता है, मेल्टिंग टेम्परेचर क्या होता है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है, ठीक है। और इसी तरह ये एक कर्व शो करता है हम लोग का, टी ए से ई की ओर और टी बी से ई की ओर, ठीक है। और यहाँ पे जो ई है आपका यूटेक्टिक पॉइंट है, ठीक है। सिमिलरली द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड दैट कैन को एग्जिस्ट विद बी इज लोअर बाई द एडिशन ऑफ सेम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ए एज शोन बाई द कर्व बिटवीन टी बी एंड ई, एंड द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच क्रिस्टल्स एंड द मेल्ट आर इन इक्विलिब्रियम इज टी ई। तो उसी तरह में हम बताया गया है कि जो प्योर बी है उसका टेम्परेचर क्या है, टी बी है। तो जैसे उसमें कुछ ए के जो मेल्ट है वो मिलना शुरू होते हैं और बी क्रिस्टलाइज होना शुरू करता है, वैसे ही क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है, ठीक है। और दोनों एक पॉइंट पे मिलते हैं जो है ई या यूटेक्टिक पॉइंट, ठीक है। और ये टी ई इसका क्या है, लोवेस्ट टेम्परेचर है, जहाँ पे कि मेल्ट और जो क्रिस्टल्स होते हैं वो इक्विलिब्रियम फॉर्म में देखने को मिलते हैं, ठीक है। लेट अस नाउ स्टडी द क्रिस्टलाइजेशन सीक्वेंस ऑफ अ मेल्ट ऑफ कंपोजिशन एम। यहाँ पे एक कंपोजिशन हम देख रहे हैं एम, ये इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं क्या होता है।
The melt M cools and its temperature drops from TB without any crystallization. जो melt M है ये ठंडा होता है और इसका temperature क्या होता है, decrease होता है, ठीक है ना, और TB से decrease होने लगता है नीचे की ओर without any crystallization. लेकिन यहाँ पे कोई crystallization अभी start नहीं हुआ है, ठीक है, यहाँ से नीचे आने लगता है लेकिन मैं अभी कोई भी crystallization शुरू नहीं हुआ रहता है, ठीक है. At temperature T1, substances B begins to crystallize, and the crystallization of B from the melt continues along the curve from TB to E. As a result of this, content of A in the melt increases continuously. तो क्या होता है, ये जो T1 टेम्परेचर है, यहाँ पे जो B है, यहाँ पे ये पॉइंट जहाँ मिल रहा है, यहाँ पे B जो है वो क्रिस्टलाइज होना शुरू करता है, ठीक है. और ये जो लगातार TB से E तक कर्व है, यहाँ तक ये भी जो है लगातार क्या होता है, क्रिस्टलाइज होता रहता है, ये दिखाता है. और B में जो A की जो मात्रा है वो क्या होती है, वो लगातार क्या होती है, इंक्रीज़ करती रहती है. यहाँ पे जैसे कि प्योर B रहता है, फिर थोड़ा सा यहाँ पे A का परसेंटेज उसमें कुछ मिल जाता है, जैसे देखें हम लोग यहाँ पे B 100 रहता है और A 0 रहता है, उससे थोड़ा सा नीचे में B आपका 90, फिर आपका A 10, यानी इम्प्योरिटीज़ उसमें बढ़ती जा रही है. अब वो बी जो है वो प्योर नहीं है, ठीक है, वो इम्प्योर हो गया, ठीक है, इस चीज़ को यहाँ बताया गया है. और थर्ड है, एट द यूटेक्टिक पॉइंट ई बोथ ए एंड बी क्रिस्टलाइज सिमल्टेनियसली एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर टी ई अंटिल द मेल्ट इज एक्सहॉस्टेड. एट दिस पॉइंट नो फर्दर चेंज इन कंपोजिशन ऑफ द मेल्ट अकर्स. Eutectic is the constant proportion in which the two constituents crystallize simultaneously. तो ये जो पॉइंट है E, यहाँ पे A और B जो है वो लगातार क्या होते हैं, साथ में क्रिस्टलाइज होना शुरू करते हैं एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे जो कि है TE, ठीक है. यहाँ पे इनकी कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं होता है. और eutectic एक ऐसा कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन होता है जहाँ पे कि कोई भी दो कंस्टिट्यूएंट्स जो होते हैं वो एक साथ क्या होते हैं, क्रिस्टलाइज होना शुरू होते हैं. अब हमने नोट्स देख लिया, अब हम डायग्राम को अच्छे ढंग से समझ लेते हैं कि क्या होता है. देखिए यहाँ पे दो एंड मेंबर्स हैं, ठीक है, ए और बी. यहाँ इसके बदले में आप कुछ मिनरल्स भी रख सकते हो, जैसे डाइऑक्साइड एनहाइड्राइड, ये सब भी हो सकते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे ए जो है वो बिल्कुल प्योर है, यानी कि ए यहाँ पे आपका 100% है, क्योंकि नीचे में हमने कंपोजिशन दिया हुआ है वेट परसेंटेज में, ठीक है. तो यहाँ पे ए जो है वो बिल्कुल प्योर है 100%, और यहाँ पे जीरो का जो परसेंटेज है वो क्या है, जो बी का परसेंटेज है वो क्या है, जीरो है. उसी तरह यहाँ पे बी जो है बिल्कुल प्योर है, यानी 100% है, और ए का जो कंपोजिशन है वो यहाँ जीरो है. तो जब आप बी से ए की ओर आ रहे हैं तो जो बी का कंपोजिशन है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज़ करता जा रहा है. उसी प्रकार जब आप ए से बी की ओर जा रहे हो तो ए का जो कंपोजिशन है वो इंक्रीज़ करता जा रहा है. तो इसलिए मैंने समझाने के लिए यहाँ पे आपके लिए नीचे में लिख दिया है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे कैसे मतलब कंपोजिशन जो है किस तरह से बन रहा है. यहाँ पे ए का 100 और 0 है, यहाँ बी 10 और ए 90, और उसी तरह यहाँ बी 20 और ए 80, इस तरह से इसका कंपोजिशन है ए और बी का, ठीक है. तो ए जिस टेम्परेचर पे क्रिस्टलाइज शुरू होना शुरू करता है वो हमने एक मान लिया है कि वो टेम्परेचर क्या है, टी ए है. ये कोई भी वैल्यू हो सकती है, 100 डिग्री, 90 डिग्री, कुछ भी, लेकिन ये तो हमने एग्जांपल के लिए लिया है, इसलिए हम यहाँ पे टी ए मान रहे हैं, ठीक है. उसी तरह जो प्योर बी है उसके लिए जो क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर है वो क्या है, टी बी, ठीक है. तो जैसे यहाँ पर टी बी तो है, लेकिन यहाँ पर क्या है, जो बी है वो पूरा प्योर है, ठीक है, इसमें बिल्कुल भी ए का कंपोजिशन नहीं है. मैंने बताया आपको कि यहाँ दो रीज़न है, एक ये वाला रीज़न और एक ये रीज़न, ठीक है. तो यहाँ बीच के रीज़न पे ए और बी जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, तो यहाँ पे दोनों लिक्विड फॉर्म में है, यानी कि फेज आपका क्या है, एक है यहाँ पे. और वहीं पे जब ये कर्व देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या है कि आपका ए और बी तो लिक्विड फेज में कर्व में, लेकिन यहाँ पे जैसे कि बी क्या होता है, सॉलिड होना शुरू हो गया, यानी क्रिस्टलाइज होना शुरू हो गया है. यानी कि यहाँ पे जो कर्व है, यहाँ पे आपके कितने फेज देखने को मिल रहे हैं, इस कर्व में आपके फेज जो हैं वो कितने हैं, दो हैं, ठीक है. और उसी तरह इस कर्व में भी जो फेज है वो
दो है, टीबी से जो ई तक कर्व था, तो यहाँ पे हमने देखा कि दो तरह के फेज हैं, एक ए प्लस बी का लिक्विड है और यहाँ बी जो क्रिस्टलाइज होना शुरू हो गया, इसलिए यहाँ पे बी जो है आपको सॉलिड में है, फेज में है, ठीक है। तो दो तरह के फेज हो गए यहाँ पे, और टी ए और ई कर्व में भी सेम इसी तरह है कि ए और बी जो है वो तो यहाँ पे लिक्विड फेज में है, पर यहाँ पे ए क्या होता है सॉलिड होना, क्रिस्टलाइज होना शुरू होता है, इसलिए यहाँ पे ए जो है वो आपका सॉलिड फेज में भी रहता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे दो फेज हैं यहाँ पे इस कर्व में, लेकिन इस कर्व के अंदर यहाँ पे क्या है कि बी जो है आपका लिक्विड में है, ठीक है। ये लिक्विड लिखा हुआ है, बी के लिखा हुआ है कि बी जो है आपका लिक्विड में है, लेकिन ए जो है आपका सॉलिड में है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे आपका जो फेज है वो दो है, और यहाँ पे जो लिक्विड लिखा हुआ है ये ए के लिए लिखा हुआ है, ए जो है वो मेल्ट के रूप में है, लिक्विड के रूप में है, और बी जो है वो आपका क्या है सॉलिड के रूप में है, यानी कि यहाँ पे भी आपके फेज क्या है दो है, ठीक है। और ये जो ई है, यूटेक्टिक पॉइंट, यहाँ पे क्या है ए और बी जो है वो लिक्विड में है, मैंने बताया था कि देखिए यहाँ पे ये टच कर रहा है ना, तो यहाँ ए और बी जो है लिक्विड फॉर्म में है, और साथ ही यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी जो लिक्विड होते हैं वो क्रिस्टलाइज होना शुरू करते हैं, यानी यहाँ पे ए भी क्रिस्टलाइज हो रहा है और बी भी क्रिस्टलाइज हो रहा है, और साथ में और ए और बी जो है, या ए भी क्रिस्टलाइज हो रहा है, बी भी क्रिस्टलाइज भी हो रहा है, और ए और जो बी है ये लिक्विड फॉर्म में भी है, यानी तीनों साथ में है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ए सॉलिड में, बी सॉलिड में, और ए और बी लिक्विड में, यानी कि आपको यहाँ पे तीन फेज देखने को मिल रहे हैं, तीन फेज देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा, यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो ज़ीरो होगा, क्योंकि आप अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर आप घटाइएगा बढ़ाइएगा चेंज कीजिएगा अपने हिसाब से, तो क्या होगा कि टेम्परेचर प्रेशर चेंज करने से ये पॉइंट जो आपको नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ पे जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है। और इसके नीचे मतलब ये वाला पॉइंट में तो मैंने बताया तीनों रहेंगे, ए सॉलिड में, बी सॉलिड में, और ए और बी लिक्विड में, ठीक है। लेकिन इसके नीचे ये पॉइंट पर क्या होगा कि आपको ए सॉलिड में और बी जो है वो सॉलिड में नज़र आए कहीं पे भी, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपके फेज क्या होंगे, दो होंगे, ठीक है। तो सिर्फ ये एक पॉइंट है जहाँ पे आपके तीन फेज होंगे, और ये वाला जो है एरिया यहाँ पे आपका सिंगल फेज होगा, बाकी बात सभी एरिया में आपको दो फेज देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो बहुत बार हमें बताया जाता है कि यूटेक्टिक पॉइंट जो होता है वो 50-50% कंपोजिशन पे बनता है, यानी कि ए भी 50 होगा या बी भी 50 होगा तभी बनेगा, ऐसे कहा जाता है, पर वैसा नहीं है। ये जो यूटेक्टिक पॉइंट होता है उसके लिए 50-50 कंपोजिशन होना ज़रूरी नहीं है। तो ये वाले जो कर्व है इस रीजन में क्या होता है कि बी तो आपका क्रिस्टलाइज होना शुरू करता है, लेकिन जो ए का लिक्विड है वो ई की ओर क्या होता है एनरिच होता जाता है, ठीक है। और इसी तरह इस रीजन में क्या होता है कि ए क्रिस्टलाइज होता है लेकिन जो बी का लिक्विड है वो ई की ओर एनरिच होना शुरू करता है, और इस यूटेक्टिक पॉइंट पे ए और बी दोनों साथ में क्या होते हैं क्रिस्टलाइज होना शुरू करते हैं, यानी ए भी क्रिस्टलाइज हो रहा है और बी भी यहाँ पे क्रिस्टलाइज होना शुरू करता है, ठीक है। और यहाँ पे ए और बी भी ऊपर में आपका यहाँ लिक्विड फॉर्म में रहता है, ठीक। तो क्या ये ज़रूरी है कि यूटेक्टिक पॉइंट जो है वहाँ पे ए और बी का कॉम्पोजिशन 50-50 हो? तो इसका आंसर है नहीं, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि यूटेक्टिक पॉइंट पर ए और बी दोनों कॉम्पोजिशन 50-50% रहे। कहीं पे आपका ए कॉम्पोजिशन ज़्यादा हो सकता है या बी कॉम्पोजिशन कम हो सकता है, या फिर किसी में आपका बी कॉम्पोजिशन ज़्यादा हो सकता है और ए कॉम्पोजिशन कम हो सकता है, इसलिए ही हमें यूटेक्टिक जो डायग्राम है पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर दोनों का हमें पता होता है कि दोनों का कॉम्पोजिशन 50-50 पे ही वो यूटेक्टिक पॉइंट होगा तो हम इस तरह के डायग्राम को नहीं पढ़ते, ठीक है। इसलिए हम इस पढ़ते हैं यूटेक्टिक, कि हमें पता करना होता है कि किस कंपोजिशन पे जो है उसका यूटेक्टिक पॉइंट होता है, ठीक है। तो और ये जो टी ई है ये ई का टेम्परेचर है, ठीक है। ये तो ई तो आपका पॉइंट हुआ, लेकिन टी ई है जो है इसका टेम्परेचर है, ये एक कांस्टेंट टेम्परेचर है कि इसे फिक्स टेम्परेचर पे ही आपके जो है ए और बी दोनों ही सॉलिड में होंगे, और साथ में ए और बी यहाँ पे लिक्विड में भी होंगे, ये तीनों साथ में रहेंगे, ठीक है। तो ये था आप लोग का यूटेक्टिक
जो डायग्राम है, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ बाइनरी, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ बाइनरी मैग्मा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है और वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी का ही, उसमें हम लोग पढ़ेंगे मिक्सिंग कंस्टिट्यूएंट्स, यानी मिक्सिंग वाला जो था मिक्सड क्रिस्टल्स, ठीक है, यानी सॉलिड सॉल्यूशन या मिक्सड क्रिस्टल। हम लोग इसके नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम बाइनरी मैग्मास का ही सॉलिड सॉल्यूशन या फिर मिक्सड क्रिस्टल, उसे हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो थैंक यू। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो मैं तो इस वीडियो में यहीं तक, और नेक्स्ट वीडियो में हम बाइनरी मैग्मा के जो सेकंड था सॉलिड सॉल्यूशन या मिक्स्ड क्रिस्टल्स, उसे हम कवर करेंगे। तो अगर आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।